मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार की शाम राजधानी रायपुर के पंडित डीडीयू में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित चित्रकार तथा दिव्यांग बसंत साहू को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मिसेज यूनिवर्स 2022-23 प्रतियोगिता में 2 खिताब अपने नाम करने वाली भिलाई की प्रेरणा धाबड़े को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार मूर्तिकार तथा चित्रकार सहित हर कलाकार को बेहतर से बेहतर मंच उपलब्ध कराने सतत प्रयासरत है, जिससे कि वे अपनी कला में पूरी तरह से निखार ला सके। तो जमीन भी उपलब्ध कराने की बात है, पानी, बिजली, एप्रोच रोड, घेरा, जो रूरल पार्क में सब कुछ रहेगा, एक उनको भी स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जमीन के बारे में मैं कलेक्टर को निर्देश कर देता हूँ कि उसमें संभव है नहीं है तो जानकारी लेते ही आपको जो रायपुर नाका के बाद जो जमीन की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं उसको निर्देश कर देता हूँ, कलेक्टर को मार्क भी कर दिया है। तीसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बसंत साहू जी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उसके बाद भी लगातार अपने कलम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। उसके कलम में वो जो जादू है कि दिव्यांग होने के बावजूद भी मूर्ति जीवंत तो बनाते हैं और राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब ने सम्मानित किया, राज्यपाल महोदय ने भी सम्मानित किया है और मुझे भी ये दूसरी बार उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है, तो उनके लिए मैं 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि कार्यक्रम बहुत हैं और बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न करके आ रहा हूँ और बहुत सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं, और इसलिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री कृष्ण।